अभी अभी जैसा कि बीओ का एग्ज़ाम हुआ है आज सुबह ही 12 से 2 के बीच में, तो उसमें जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको यहाँ सॉल्व कराने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो मैथ में आया था। टू ट्रेन्स वर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 90 किलोमीटर पर आवर एंड 70 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। सो दो ट्रेन थी जो 90 और 70 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी सेम डायरेक्शन में। फास्टर ट्रेन पास द मैन स्टैंडिंग इन द स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकेंड्स। तो फास्टर ट्रेन ने स्लोअर ट्रेन में बैठे हुए एक आदमी को या खड़े हुए एक आदमी को 18 सेकंड में पास कर लिया, तो फास्टर ट्रेन की लेंथ बतानी थी। तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। जब भी दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, दोनों की स्पीड का माइनस हो जाती है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, और अपोजिट में होती हैं तो ऐड हो जाती है। तो ये जो ट्रेन थी बड़ी फास्टर वाली और एक ये स्लो वाली ट्रेन में मान लो यहाँ ये आदमी बैठा हुआ था, तो जब ये फास्टर ट्रेन इसको पास करेगी तो क्या होगा, यहाँ पहुँचेगी वो, पहले इसका शुरुआती जो एंड होगा, और उसके बाद जब वो निकलती चली जाएगी और जब इसका ये एंड आ जाएगा ट्रेन का, तब ये इसको पास करेगी। यानी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कि जितनी फास्टर ट्रेन की लेंथ है उतनी डिस्टेंस वो कवर करेगी उसको पार करने में। तो फास्टर ट्रेन की लेंथ ही उसने पूछी भी है, तो लेंथ में पता नहीं है तो लेंथ लिख देते हैं उसकी एक्स। और कितना टाइम लगा उसको पार करने में, 18 सेकंड्स लगे। और कितनी स्पीड से किया उसने, स्पीड क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही थी तो स्पीड हो जाएगी 90 और 70 का डिफरेंस रिलेटिव स्पीड, यानी 20। अब ये सेकंड में दिया हुआ है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में हम बता लें कन्वर्ट कर लेंगे, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 5 × 18 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, 18 ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड में है, 18 से ये 18 कैंसिल और ये 5 और 20 यहाँ रह जाएंगे, 5 × 20 100 हो जाएगा और ये 100 दर्ज लग जाएगा, तो x की वैल्यू 100 आ जाएगी, 100 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹420 इज़ गेंड एट 5% पर एनम ऑन ए प्रिंसिपल इन अ सेकेंड ईयर, यानी दूसरे साल में किसी प्रिंसिपल पर कंपाउंड इंटरेस्ट ₹420 का मिला है 5% पर एनम के रेट से, तो प्रिंसिपल अमाउंट बताना है कितना था। तो इसमें आपको कोई CI का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी, बड़ी बेसिक सी नॉलेज से आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन कर सकते थे। फर्स्ट ईयर और ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकंड ईयर हो गया, सेकंड ईयर में मिला है 420 और फर्स्ट ईयर में कितना मिला होगा, 5% रेट है, तो 5% यही चलता जाएगा। तो पहले साल में कितना अमाउंट होगा, कितना यहाँ पे इंटरेस्ट होगा जिस पे 5% लगाने पे ये 420 आ जाएगा, तो वो अमाउंट आप क्विकली अपने दिमाग में सोच सकते थे कि 400 होगा, 400 का 5% कितना हो गया 20, तो ये 420 हो गया, यानी पहले साल में 400 इंटरेस्ट मिला होगा। और 400 इंटरेस्ट कितने प्रिंसिपल पे मिला होगा, कितना प्रिंसिपल हो जिस पे 400 इंटरेस्ट आ जाए 5 के रेट से, तो ये आप क्विकली निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा, 8000 का 5% 400 होता है, तो ये था 400 फिर 5%, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे चलता है, जितना पहले साल में मिला होता है उस पर फिर 5% का इंटरेस्ट लग के अगले साल का इंटरेस्ट आ जाता है, जैसे ₹20 इंटरेस्ट इसमें और जुड़ जाएगा पहले 400 में, तो ये 420 हो गया था। और बस ये निकालना था कि 400 फिर 5% का कितने का 5% 400 होगा, तो ये आप तुरंत 8000 निकाल सकते थे, ईजी कैलकुलेशन थी। 5 ईयर्स बैक यानी 5 साल पहले द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 4 और 5, ए बी की जो एजेस थे उनमें रेशियो 4 और 5 का था। यदि ए की प्रेजेंट एज इस वक्त 29 ईयर्स है तो बी की प्रेजेंट एज बतानी है, तो इसमें आपको कोई एक्स वाई लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, ऑप्शन से बड़ी इजीली क्वेश्चन हो जाता है। ये प्रेजेंट एज ए की कितनी दी हुई है, 29 ईयर्स, और 5 साल पहले ये ए और ये बी के रेशो के एजेस के रेशो हैं, तो 4 से कटने वाली उसकी एज होनी चाहिए 5 साल पहले, तो 29 से अगर हम 5 साल घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 साल, और 24 से 4 6 टाइम्स हो रही है, यानी इसकी जो एज होगी 5 साल पहले वो कितनी होगी, 6 का मल्टीप्लायर है 30 होगी, कौन सी एज है, मैं 5 साल घटा दें जो 30 आ जाएगा, 35 वाली, ख़त्म। बस यही करना था, कोई एक्स वाई की जरूरत नहीं थी, लॉजिकली आप क्वेश्चन करने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, तो कोई सर्कल है और दो जीवाएँ हैं ए बी और सी डी, वो ये मान लेते हैं ए बी जीवा है और एक दूसरी जीवा यानी कि कॉर्ड सी डी है, ये एक सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट पी है वहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, एंगल दिया हुआ है पी ए सी 50,
PAC यानी ये हो गया आपका PAC, और पूछा है PDB, PD और B यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा है। अभी आप देख रहे होंगे ABCD ये सर्कल के अंदर एक क्या बना रहे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहे हैं। और चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है, ये बल्कि 50 दिया हुआ है, तो इसका सम 180 होगा। तो ये वाला एंगल कितना आ गया आपका, अंदर वाला BDC आ गया 130, और फिर ये क्या बना रहा है, एक लीनियर पेयर बना रहा है, यानी तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180, 30 ये हो गया, ये 50 हो गया, यानी ये 50 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज़ करके फिर लीनियर पेयर कर देना था। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कारपेंटर ए मेक्स 1 chair in 6 hours, कारपेंटर ए एक चेयर 6 घंटे में बनाता है, कारपेंटर बी एक चेयर 7 घंटे में बनाता है, कारपेंटर सी एक चेयर 8 घंटे में बनाता है। यदि हर एक कारपेंटर 8 घंटे रोज़ काम करे तो कितनी चेयर बन जाएंगी 21 दिनों में। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये भी, ये देखिए 6 घंटे काम करता है, ये 7 घंटे 8 घंटे। पहले एक ऐसे घंटा निकाल लेते हैं जो तीनों से डिवाइड होने वाला हो, यानी इनका एलसीएम ले लेते हैं पहले, वो टोटल आवर्स मानेंगे। तो 8, 7 और 6 ये ए का काम, ये बी ये सी इतने घंटे में करता है, तो इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये तीनों की मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी, 336 आ गया। तो ये 6 से कितना हो जाएगा, 56, 7 वाले से कितना हो जाएगा, ये 48, और 8 वाले से कितना हो जाएगा, 42। तो ये आवर्स बना लिए हमने, ऐसे कॉमन आवर बना लिए जो तीनों से कट सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यदि 336 घंटे अगर काम करें तीनों मिलके, तो कितनी चेयर बना लेंगे, इन तीनों को ऐड कर लो, तीनों की चेयर जितनी है, तो ये कितना आ जाएगा, 146। तो हमें निकालना है 21 दिन वाला, 21 दिन में ये आवर में दिया हुआ है, तो 21 दिन को भी आवर में बदल लेंगे। तो आवर में बदलने के लिए, लेकिन 24 आवर की गलती मत करना, क्योंकि उन्हें 8 घंटे ही काम करना है रोज़, 28 × 8 आवर्स में कितना कर लेंगे, तो 146 × 28 × 8 और डिवाइडेड बाई 336। तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 7 से हो जाएगा, और 3 से ये 2 टाइम्स, और 2 से 146 73 times, 73 आंसर आ जाएगा इसका। बस आपको ये याद रखना था कि ये कंबाइन करना था, और यहाँ पे जब आप 21 दिन का निकाल रहे हैं तो 24 घंटे ना करें, 8 घंटे जितना उनको करना है काम। तो इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं। बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 3/4 ऑफ सेलिंग प्राइस, अ ट्रेडर इनकर्ड ए लॉस ऑफ 10%। तो 10% का उसको लॉस हुआ जब उसने जो सेलिंग प्राइस था उसके 3/4 पे उसको बेचा। तो बताना है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या होगी यदि उसको सोल्ड किया जाए ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर, यानी जो पहले सेलिंग प्राइस था उसका 3/4 करके बेचा तो 10% का लॉस हुआ। अब कह रहा है कि घटा के ना बेच के पूरे जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था उस पर बेचे तो कितना लॉस या कितना प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, जरा सा लॉजिक लगाना था और फटाफट आंसर लगाना था। वो कैसे, जब उसको सेलिंग प्राइस के 3/4 में बेचा तो 10% का लॉस हुआ। अब तो वो उसको ज़्यादा में बेचना चाह रहा है, जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो 3/4 तो ज़्यादा होगा, मान लो पहले अगर 4 था तो 3 में बेचने पे उसको लॉस हुआ 10% का। अब वो कह रहा है कि 4 में ही अगर बेचे तो इसका मतलब जो उसको लॉस 10 से तो कम नहीं जाने वाला है, तो ये ऑप्शन तुरंत गलत हो गया, ये भी लॉस वाले तो गलती हो गए। अब बचे प्रॉफिट वाले दोनों, तो और प्रॉफिट भी इतना नहीं कि प्रॉफिट अगर होगा भी तो इतना प्रॉफिट नहीं हो सकता कि 120% का मतलब होगा कि दुगने से भी ज़्यादा, 100% दुगना होता है। तो अगर प्रॉफिट भी होगा तो इतना प्रॉफिट होगा कि थोड़ा बहुत जो है वो उसके 10-20% इतना होगा, यानी 120% तो नहीं होता। तो यही ऑप्शन इसका बच रहा था जिसे आप देख के आंसर मार सकते थे लॉजिकली, इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। तो लॉजिकल थिंकिंग अपनी जगहें, मेरे और भी वीडियोस हैं जिसमें मैंने लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन अब रीजनिंग के शुरू हो रहे हैं। तो ये देखिए, ये आया हुआ था, यहाँ पूछा था क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी इसमें ऑप्शन आएगा।
तो इसमें थोड़ा ये इस तरह क्वेश्चन में क्लिक करने वाली बात होती है कि क्या आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर था लेकिन क्लिक हो जाता तो हो जाता। इसमें था जो इसमें करना क्या था कि ये आपको मल्टीप्लाई करनी थी, 5 × 1 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 5, 6 × 1 6, ये 11 आ गया। यानी डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई करनी थी फर्स्ट और थर्ड ब्लॉक के, और उनको फिर ऐड कर देना था। तो ये 6 × 4 = 24 और 3 × 2 = 6 = 24 और 6 कितना आ गया 30, तो 5 × 3 = 15 + 4 = 12, तो ये 27 इसका आंसर आ जाता है इस तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रीजनिंग का ही था, इन दोनों में क्या संबंध, तो इसमें देखते ही हमें पता चल रहा था कि ये ABCD आपने लिख लिए होंगे, तो ये 2 नंबर पर आता है, ये 7 नंबर पर आता है, ये 3 नंबर पर आता है, ये 8 पर आता है, तो 5-5 का डिफरेंस चल रहा है, केवल लास्ट वाले में 6 और ये 11, लेकिन ये 4 के बाद एक गैप है, और यहाँ पे आप ये 9 है तो इसके बाद एक गैप है, केवल ये ध्यान रखना था। तो ये L का नंबर 12 होता है, तो 12 का 13 आएगा, नहीं 12 और 5 ऐड होगा तो 17 आएगा, 17 सभी में है। M का नंबर 13 है तो इसका अगला R आएगा, N से अगला N का नंबर 14 है, 14 × 5 = 19, यानी ये S वाला आ जाएगा, यहाँ तक दोनों सेम है। लास्ट में P का नंबर 16 होता है, तो 16 में 5 ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 का मतलब हो गया U, तो इसका आंसर ये हो जाता है। ये ईजी था, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी रीजनिंग का था। द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इन 1980 फॉल ऑन सैटरडे, एक्स वॉज बॉर्न ऑन March 3, 1980 एंड वाई इज 4 डेज ओल्डर टू एक्स, देन वॉट विल बी द डे एक्स बर्थ, एक्स के वाई के बर्थ, बल्कि वाई है ये, वाई के बर्थ का डे बताना था। तो बस ये ध्यान रखना था कि ये 1980 है तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर की बात कर रहा है। लीप ईयर में जो फरवरी होती है 29 दिन की होती है, तो March 3 को ये हुआ था एक्स, और वाई उससे 4 दिन बड़ा है, यानी 4 दिन पीछे जाएंगे, 4 दिन पहले ये पैदा हुआ होगा, तो 4 दिन पहले वाला दिन आएगा आपका 29 फरवरी। 29 फरवरी बताना आपको किस दिन था। और ये उसने बताया कि रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे का मतलब हो गया 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी को सैटरडे था, तो 29 फरवरी को कौन सा दिन होगा, तो 26 जनवरी को एक था, तो इसके बाद 2 फरवरी को सैटरडे पड़ेगा अगला, फिर कितने को पड़ेगा, 9 फरवरी को पड़ेगा अगला सैटरडे, उसके बाद 16 को पड़ेगा, 16 के बाद 23 को पड़ेगा सैटरडे, और 23 के बाद आप देख सकते हैं कि 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो 29 का क्या पड़ रहा है, फ्राइडे, क्योंकि 23 के बाद जो अगला दिन 1 मार्च आएगा, 1 मार्च को पड़ेगा सैटरडे, ये उससे एक दिन पहले वाला दिन है, तो यानी फ्राइडे हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। सीरीज़ का था, तो ये इसमें देखना था सीरीज़ में क्या चल रहा है। तो यहाँ देखें हम 6 का डिफरेंस है, यहाँ पता नहीं है अभी, यहाँ डिफरेंस है, इनका डिफरेंस आ जाएगा 62 और इनका डिफरेंस आ रहा है 62, तो इससे तो कुछ पता नहीं चल रही है अभी, लेकिन इनसे हमें कुछ पता चल रही है। अगर हम 82 का दुगना करें तो 164 आता है, उससे 2 कम है। 244 का दुगना करें तो 488 आता है, उससे 2 कम है। और फिर अब ये भी पकड़ में आने लगा है, 4 का दुगना करें 8, उससे 2 कम है 6, यानी 10 का दुगना करें 20, उससे 2 कम कर दें 18, यानी 18 ऐड होगा इसमें, तो उस हिसाब से यहाँ 28 आना चाहिए, तो ऑप्शन आ जाएगा 28। ये भी चेक कर लेते हैं क्या 82 इससे आ रहा है क्या, तो 28 का दुगना अगर हम करेंगे तो 56 से 2 कम करेंगे 54, और इसमें आप 54 ऐड करेंगे तो 82 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, सी इज़ द हस्बैंड ऑफ डी, ई इज़ द फादर ऑफ ए, देन डी इज़ रिलेटेड टू ई एस, तो बहुत जल्दी इसका ट्री बना लेते हैं। ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए ब्रदर है बी का, लेकिन दोनों सेम ही लेवल पे हैं। बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, तो बी जो है वो सी का ब्रदर है, प्लस का मतलब कि ये मेल है। बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, सी इज़ द हस्बैंड ऑफ डी, तो सी भी इसका मतलब मेल ही है, और ये डी का हस्बैंड है, तो ये सेम ही लेवल वाले हैं। ई इज़ द फादर ऑफ ए, तो ई जो है वो ए का फादर है, ये भी यानी प्लस ही है इसका, यानी इन सबका, इसका भी फादर हो गया, इसका फादर हो गया, और ये इसकी वाइफ थी, तो इसका क्या हो गया, ये इनमें रिलेशन है, ये इसकी डॉटर इन लॉ हो गई ई की, तो यही पूछा था, डॉटर इन लॉ। आगे बढ़ते हैं। इफ़ इन अ सर्टन कोड दिसंबर इज़ रिटन एज दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ विल बी रिटन एज दिस, तो इसमें आपको कोई जो है कूट नहीं लगाने थे,
केवल ये देखना था दिसंबर को ही आगे पीछे करके बनाया हुआ है, तो इसमें अगर हम देखें तो नो हम देख रहे हैं, नो नो से नवंबर ही बन सकता है, फटाक से नवंबर मारना था, देखते ही कुछ नहीं करना था इसमें। तो इस तरह से ही आपके मैथ रीजनिंग का आए हुए क्वेश्चन मैंने करा दिए, आई होप कि आपको जो है पसंद आई होगी मेरी वीडियो और आपको अपने आंसर भी पता चले होंगे। तो इस तो आपने देखा कि हमने ये रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए थे वो हमने किए और बड़ी इजीली सॉल्व कर दिए, तो इन क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं था। बाकी जीके जीएस के क्वेश्चन आप खुद चेक कर सकते हैं इंटरनेट पर जाके, आपके पास पेपर होगा ही। तो ये वीडियो मैंने बनाई थी जिससे आप लोगों को पता चल सके कि आपने मैथ रीजनिंग में कितने क्वेश्चन ठीक किए गलत किए और लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस तरह से मैंने और भी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी वगैरह के, वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और मेरे चैनल विनर्स अकेडमी प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके अलावा करंट अफेयर्स भी आप चेक कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, थैंक यू।